हाँ जी, सभी लोग आ गए, शुरू कर दें, बहुत लेट हो गए वैसे भी। हेलो, सर हाँ जी, आ रही है, बराबर आ रही है आवाज। नजर आ रही है। हाँ हाँ जी, तो शुरू करें। राजभाषा विभाग अभी से बराबर आ मैं, रही है। जी मैं राजभाषा विभाग से नवनीत कुमार धनेरिया, सीनियर ट्रांसलेटर, और मैं आज आपको राजभाषा के संबंध में कुछ जानकारी दूंगा और हम बात करते जाएंगे। बीच बीच में कोई भी डाउट हो तो उसको उसी समय हम पूरा करेंगे, ठीक है। और ये जो सेशन है आपका बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इसके अंदर हमने बहुत सारा निचोड़ ले लिया है कि आपके जो भी प्रश्न पत्र आएगा वो इसी जो हम आज चर्चा करेंगे उसी में से आए। इस तरह के हमने प्रश्न इसके अंदर लिए हैं, जानकारियां ली हैं। तो शुरू करते हैं हम। सबसे पहले हम बात करेंगे राजभाषा के संवैधानिक प्रावधान की। तो भारतीय संविधान के अंतर्गत राजभाषा के लिए यदि कोई पूछे जाएगा कि कौन सा भाग है, तो वो आएगा भाग 17, और भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351। और जो आप आगे देख रहे हैं भाग 5 और भाग 6, ये भाषा के संबंध में है। तो मैं आप सभी को क्लियर कर देना चाहता हूं कि भाग 5 है, उसमें अनुच्छेद 120 और भाग 6 में अनुच्छेद 210, परंतु राजभाषा के लिए है, भारत के संविधान में राजभाषा संबंधित भाग 17 है, अनुच्छेद 343 से 351। तो यदि ये प्रश्न आता है कि कौन कौन से अनुच्छेद में राजभाषा के संबंध में दिया गया, तो 343 से 351 बिना किसी झिझक के, और भाग 17, ठीक है, ठीक है। हाँ बताइए तो सही, यस सर, ठीक है, आगे बताइए। यस सर, हाँ जी, यस ओके। तो मोटा मोटा मैं आपको बताता हूं, संघ की भाषा में अनुच्छेद 120 जो है, जो भाग 5 के अंदर आता है, उसके अंतर्गत संसद में प्रयोग होने वाली भाषा, इसके अंतर्गत यह है कि कोई भी व्यक्ति, संसद का जो कार्य होगा वो हिंदी अथवा अंग्रेजी में किया जाएगा, लेकिन यदि किसी व्यक्ति को हिंदी या अंग्रेजी में वो अपनी अभिव्यक्ति नहीं कर सकता, अपने विचारों की अभिव्यक्ति नहीं कर सकता है, तो जो स्पीकर होंगे वो उनको निर्देश करेंगे अपनी मातृभाषा में संसद को संबोधित करने के लिए। तो ये मोटा मोटा इसके अंतर्गत लिखा हुआ है, और इसके अंतर्गत ये भी लिखा हुआ है कि जब तक संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध ना करे, तब तक संविधान के प्रारंभ से 15 वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात यह अनुच्छेद ऐसे प्रभावी होगा मानो अंग्रेजी में शब्दों का उसमें से लोप कर दिया हो, परंतु ऐसा हुआ नहीं है, इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। आपको मोटा मोटा ये याद रखना है कि 120 क्या है, संसद में प्रयुक्त होने वाली भाषा, संसद में कार्य हिंदी अथवा अंग्रेजी में होगा, यदि कोई व्यक्ति, संसद का सदस्य, कोई सांसद अपने विचारों की अभिव्यक्ति हिंदी अथवा अंग्रेजी में नहीं कर सकता है, तो स्पीकर महोदय द्वारा उसे अपनी मातृभाषा में सदन को संबोधित करने की अधिकार रहेगा, ठीक है। और इसी तरह से हम बात करें अनुच्छेद 210, तो 210 होगा विधानमंडलों में प्रयोग की जाने वाली भाषा, 120 था संसद के लिए, और अनुच्छेद 210 है विधानमंडलों में प्रयुक्त होने वाली भाषा के रूप में। और यहाँ पर ये ध्यान देने वाली बात है कि जिस प्रकार से वहां पर स्पीकर महोदय द्वारा उसको अनुमति दी गई थी, यहाँ पर भी स्पीकर अथवा सभापति महोदय से अनुमति लेकर के ही वो इसे कर सकेंगे, ठीक है। तो इसके अंतर्गत ये लिखा हुआ है कि जो यहाँ का जो कार्यकाल होगा विधानमंडल का, वो राज्य की राजभाषा में हिंदी और अंग्रेजी में होगा, है ना, परंतु कोई व्यक्ति यदि इन तीनों ही भाषाओं में अपने विचारों की व्यक्ति नहीं कर सकता है, तो उसे अपनी मातृभाषा में सदन को संबोधित करने की अनुज्ञा स्पीकर या सभापति द्वारा दी जा सकती है, ठीक है, आगे चले। अब है भाग 17,
भाग 17 के अंतर्गत राजभाषा के लिए जो प्रक्रिया अपनाई गई है उसके संबंध में हम अनुच्छेदों की चर्चा करेंगे। अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 343 के अंतर्गत संघ की राजभाषा के बारे में उल्लेखित किया गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी होगी, लिपि देवनागरी होगी और जो अंक हम प्रयोग करेंगे वो भारतीय अंकों का अंतरराष्ट्रीय रूप होगा। ठीक है सर? ओके हाँ जी, तो यदि किसी बात के होते संविधान के, इसमें भी यहाँ लिखा हुआ है कि संविधान के प्रारंभ से 15 वर्ष की अवधि तक। हमारा संविधान लागू कब हुआ था बताएगा कोई? हमारा संविधान कब से लागू किया गया? 26 जनवरी 1950। तो 26 जनवरी 1950 से 15 वर्ष की अवधि तक संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी का प्रयोग यथावत जारी रहेगा और 15 वर्ष बाद देखा जाएगा कि अंग्रेजी को शने शने लोप कर दिया जाए या जो भी है, ये मूल संविधान में लिखा हुआ है। ठीक है, और इसके अंतर्गत एक चीज और है, हिंदी अथवा अंग्रेजी में कार्य किया जाएगा लेकिन जो प्राधिकृत जो भाग होगा ना वो अंग्रेजी का माना जाएगा। ठीक है, और आगे चलते हैं। अनुच्छेद 344 कहते हैं राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की समिति बनाने का जो शक्ति है वो इस अनुच्छेद 344 के अंतर्गत है। तो राष्ट्रपति संविधान प्रारंभ से 5 वर्ष की समाप्ति पर और तत्पश्चात ऐसे प्रारंभ से 10 वर्ष की समाप्ति पर आदेश द्वारा एक आयोग गठित करेंगे जो एक अध्यक्ष और 8वीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट विभिन्न भाषाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले अन्य सदस्य मिलकर बनेगा। उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे और आदेश में आयोग द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया परिनिश्चित की जाएगी। आयोग का यह कर्तव्य होगा कि वह राष्ट्रपति को संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए हिंदी भाषा के अधिकाधिक प्रयोग, संघ के सभी या किन्हीं शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा के प्रयोग पर निर्बंधनों और अनुच्छेद 348 में उल्लिखित सभी या किन्हीं प्रयोजनों के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा और संघ के किसी एक या अधिक विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए प्रयोग किए जाने वाले अंकों के रूप और संघ की राजभाषा तथा संघ और किसी राज्य के बीच या एक राज्य और दूसरे राज्यों के बीच पत्रादि की भाषा और उनके प्रयोग के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा आयोग को निर्देशित किए गए किसी अन्य विषय में सिफारिश करेंगे। तो ये राजभाषा आयोग का कर्तव्य होगा और राष्ट्रपति जी को अपनी प्रतिवेदन यानी कि रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे और उसके ऊपर राष्ट्रपति जी कोई निर्णय लेंगे। तो इस तरह से अनुच्छेद 344 का प्रयोग करते हुए राजभाषा आयोग और संसदीय समिति, राजभाषा संसदीय समिति की स्थापना की गई थी जिसके बारे में हम आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। अनुच्छेद 344 के अंतर्गत ही जो उसका 3 खंड है उसके अंतर्गत है कि खंड 2 के अधीन अपनी सिफारिशें करने में आयोग भारत की औद्योगिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक उन्नति का और लोक सेवाओं के संबंध में हिंदी भाषी क्षेत्रों के व्यक्तियों के न्याय संगत दावों और हितों का सम्यक ध्यान रखेगा। एक समिति गठित की जाएगी जो 30 सदस्यों से मिलकर बनेगी। 30 सांसद होते हैं इसके अंदर, लोकसभा के 20 और राज्यसभा के 10 सदस्य। इसको हम कहते हैं संसदीय राजभाषा समिति और इसके 3 उपसमितियां होती है 10 सदस्यों को मिला करके। समिति का कर्तव्य होगा कि वे खंड 1 के अधीन गठित आयोग की सिफारिशों की परीक्षा करें और राष्ट्रपति को उन पर अपनी राय के बारे में अपनी रिपोर्ट दे, प्रतिवेदन दे। और अनुच्छेद 343 में किसी बात के होते हुए भी राष्ट्रपति खंड 5 में निर्दिष्ट प्रतिवेदन पर विचार करने के पश्चात उस संपूर्ण प्रतिवेदन के या किसी भाग के अनुसार निर्देश दे सकेंगे। तो ये अनुच्छेद 344 है राजभाषा आयोग और राजभाषा समिति के संबंध में। अभी ये प्रश्न आता है राजभाषा समिति या राजभाषा आयोग के संबंध में कौन सा अनुच्छेद है, तो अनुच्छेद 344 होगा। फिर अनुच्छेद 345 जो राज्य के राजभाषा या राजभाषाओं से संबंधित है
इसमें आपको ये समझ लेना है कि जो विधानमंडल है या विधानसभा है या विधायिका जिन्हें कहा जाता है, वो सर्वसम्मति से उस राज्य के अंतर्गत जो परिचालित भाषाएं हैं अथवा हिंदी या एक से अधिक भाषाओं को अपनी राजभाषा के रूप में मान्यता प्रदान करेंगे और सारा सरकारी कामकाज उन्हीं भाषाओं में अथवा अंग्रेजी में किया जाएगा। तो ये इसके अंतर्गत है। और अनुच्छेद 346, एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच में या राज्य और संघ के बीच में जो पत्रादि की भाषा होगी वो कौन सी होगी, उसका निर्णय लिया जाएगा, हिंदी अथवा अंग्रेजी या कोई एक संपर्क भाषा के द्वारा उन लोगों के बीच में पत्र व्यवहार किया जाएगा। और इसी प्रकार अनुच्छेद 347 कहते हैं कि किसी राज्य की जनसंख्या के किसी भाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में विशेष उपबंध है, जो कहता है कि किसी राज्य की जनसंख्या का पर्याप्त भाग यह चाहता है कि उसके द्वारा बोली जाने वाली भाषा को राज्य द्वारा मान्यता दी जाए, तो वह निर्देश दे सकेगा कि ऐसी भाषा को भी उस राज्य में सर्वत्र या उसके किसी भाग में प्रयोजनों के लिए राजभाषा के रूप में मान्यता दी जाए। है ना, ठीक है। मैं प्रचलित शब्दों में आपको समझाने की कोशिश करूंगा जो यहाँ लिखा है, ऐसा कि ऐसा हम क्योंकि ये क्लिष्ट हिंदी है तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको आसानी से समझ में आए। फिर अनुच्छेद 348, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अभी ये प्रश्न आ जाए कि उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय आदि की भाषा के संबंध में किस अनुच्छेद में व्याख्या की गई है, तो अनुच्छेद 348 है। अनुच्छेद 348 के अनुसार आप देखेंगे कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में और जितने भी अधिनियम नियम विधेयकों आदि के लिए अंग्रेजी का प्रयोग किया जाएगा और उसका हिंदी अनुवाद भी प्रस्तुत किया जाएगा। तो उच्चतम न्यायालय और प्रत्येक उच्च न्यायालय में सभी कार्रवाइयां अंग्रेजी में होंगी, क्योंकि यदि जो उच्च न्यायालय, हम उच्चतम न्यायालय की बात करें सुप्रीम कोर्ट, तो राष्ट्रपति महोदय और इसी प्रकार उच्च न्यायालय में वहां उस राज्य के राज्यपाल द्वारा यदि निर्देश दिया जाएगा तो कार्यवाही हिंदी में अथवा उस राज्य की राजभाषा में भी की जा सकेगी। इसके लिए विशेष उनसे अनुमति लेना जरूरी है, राष्ट्रपति महोदय से उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के लिए और हाई कोर्ट के लिए राज्यपालों से। अनुच्छेद 348 के अनुसार, ठीक है। और अनुच्छेद 349 कहता है भाषा से संबंधित कुछ विधियां अधिनियमित करने के लिए विशेष प्रक्रिया है, उसकी शक्ति इस अनुच्छेद के अंतर्गत है, जिसमें संविधान के प्रारंभ होने से 15 वर्ष की अवधि के दौरान अनुच्छेद 348 के खंड एक में उल्लिखित किसी प्रयोजन के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा के उपबंध में करने वाला कोई विधेयक या संशोधन सदन के समक्ष किसी सदन में राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी के बिना पुरस्थापित तथा प्रस्तावित नहीं किया जाएगा। अर्थात यदि राजभाषा अधिनियम या नियमों में संशोधन करना है तो आपको राष्ट्रपति महोदय से अनुमति लेना अनिवार्य है, ये इसने कह दिया है 350 ने। और फिर 350 क्या कहता है कि व्यथा के निवारण के लिए अभ्यावेदन में प्रयोग की जाने वाली भाषा, यह बहुत महत्वपूर्ण है। यदि कोई व्यक्ति उसको उस राज्य की या संघ की जो भाषा है, राजभाषा है, उसमें वह अपनी अभिव्यक्ति नहीं कर सकता है तो वह अपनी मातृभाषा बोली में पत्र व्यवहार कर सकता है, वह उसमें एप्लीकेशन देगा और आपको उसका निराकरण करना होगा। ये कहता है 350 कि प्रत्येक व्यक्ति किसी व्यथा के निवारण के लिए संघ या राज्य के किसी अधिकारी या प्राधिकारी को यथास्थिति संघ में या राज्य में प्रयोग होने वाली किसी भाषा में अभ्यावेदन देने का हकदार होगा, जो इसके अंतर्गत बताया गया। फिर अनुच्छेद 350 क के अंतर्गत प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं, प्रत्येक राज्य और राज्य के भीतर प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के बालकों को शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा और राष्ट्रपति
किसी राज्य को ऐसे निर्देश दे सकेगा कि वह ऐसी सुविधाओं का उपबंध सुनिश्चित कराने के लिए आवश्यक या उचित समझता हो। अर्थात प्रत्येक वर्ग के बालकों को उसकी मातृभाषा में शिक्षा, प्राथमिक स्तर तक की शिक्षा दिलाने का जो उत्तरदायित्व है वह राज्य के ऊपर है। फिर अनुच्छेद 350 खा कहता है कि भाषाएं अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकार। यदि किसी राज्य के अंदर भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए एक विशेष अधिकारी नियुक्त होंगे जिसे राष्ट्रपति जी नियुक्त करेंगे, और विशेष अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान के अधीन भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए उपबंधित रक्षोपायों से संबंधित सभी विषयों का अन्वेषण करे और अन्य विषयों के संबंध में ऐसे अंतरालों पर जो राष्ट्रपति निर्दिष्ट करते हैं राष्ट्रपति को प्रतिवेदन देंगे, और राष्ट्रपति ऐसे सभी प्रतिवेदनों को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष भिजवाएंगे और संबंधित राज्यों की सरकारों को भी भिजवाएंगे। अनुच्छेद 351 कहता है कि हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश। संघ का कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए, उसका विकास करे जिससे वह भारत की सामाजिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके और प्रकृति में हस्तक्षेप किए बिना हिंदुस्तानी और आठवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट भारत की अन्य भाषाओं में संयुक्त रूप शैली और पदों को आत्मसात करते हुए और जहां आवश्यक या वांछनीय हो वहां उसके शब्द भंडार के लिए मुख्यतः संस्कृत से और गौणतः अन्य भाषाओं से शब्द ग्रहण करते हुए उसके समृद्धि सुनिश्चित करे। तो राजभाषा के विकास के लिए इसके अंतर्गत निर्देश दिए गए हैं वह अनुच्छेद 351। अब हम बात करते हैं, जब हमने बात की थी राजभाषा आयोग की, अनुच्छेद 344 के अंतर्गत राजभाषा आयोग की स्थापना के लिए शक्तियां दी गई हैं। तो 7 जून 1955 को बीजी खेर की अध्यक्षता में राजभाषा आयोग का गठन किया गया। कई लोग नाम याद नहीं रख पाते हैं तो उन्हें हम बता दें कि बाल गंगाधर, बीजी खेर का पूरा नाम था बाल गंगाधर खेर, तो वो याद रखना है आपको अनुपम खेर से कि बीजी खेर खरे नहीं है खैर है। बीजी खेर की अध्यक्षता में 7 जून 1955 को एक आयोग की स्थापना की गई राजभाषा आयोग की, और इस आयोग ने 31 जुलाई 1956 को राष्ट्रपति जी को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था। और फिर राजभाषा समिति की हम बात कर लें तो संसदीय राजभाषा समिति और राजभाषा समिति, पहले राजभाषा समिति की बात करते हैं। तत्कालीन गृह मंत्री श्री गोविंद वल्लभ पंत की अध्यक्षता में समिति ने व्यापक विचार विमर्श के पश्चात 8 फरवरी 1959 को राष्ट्रपति जी को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था। और संसदीय राजभाषा समिति, संसदीय राजभाषा समिति का गठन राजभाषा अधिनियम 1963 के अधीन वर्ष 1976 में किया गया था। अभी यह प्रश्न आ जाए कि संसदीय राजभाषा समिति का गठन कब किया गया, तो वर्ष आएगा 1976। और किसके अधीन? राजभाषा अधिनियम 1963 के अधीन। तो ये उच्चाधिकार प्राप्त, ये सर्वोच्च संसदीय समिति होती है राजभाषा के संबंध में, जिसमें 30 सदस्य होते हैं 20 लोकसभा से और 10 राज्यसभा से। 10-10 सदस्यों की 3 उपसमितियां बनाई जाती हैं। इसके अध्यक्ष गृह मंत्री होते हैं, और वैसे इसके प्रथम अध्यक्ष श्री ओम मेहता थे। अभी गृह मंत्री, जो भारत के गृह मंत्री होंगे वो संसदीय राजभाषा समिति के अध्यक्ष होंगे। यह समिति केंद्र सरकार के अधीन आने वाले सभी संस्थानों का समय समय पर निरीक्षण करती है और राष्ट्रपति जी को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। राष्ट्रपति जी इस रिपोर्ट को संसद के प्रत्येक सदन में रखवाते हैं और राज्य सरकारों को भिजवाते हैं। तो 3 उपसमितियां हैं, पहली उपसमिति, दूसरी उपसमिति और तीसरी उपसमिति, संसदीय राजभाषा समिति की 3 उपसमितियां। और जो दूसरी उपसमिति है वो हमारे ऊपर निगरानी करती है, रेलवे का निरीक्षण करती है, रेलवे के कार्यालयों का निरीक्षण करती है दूसरी उपसमिति। तो आयोग की सिफारिश पर विचार करने के लिए गठित
संसदीय समिति ने अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति जी के समक्ष 8 फरवरी 1969 को प्रस्तुत की थी। आयोग की सिफारिशों और संसदीय समिति की राय के उपरांत राष्ट्रपति जी ने 27 अप्रैल 1960 को जारी किए आदेश थे, जिसके अंतर्गत हिंदी शब्दावली, प्रशासनिक संहिताओं का अनुवाद, प्रशासनिक कर्मचारी वर्ग को हिंदी का प्रशिक्षण और हिंदी का प्रचार प्रसार आदि से विभिन्न उपयोगी विषयों पर आदेश जारी किए थे। जैसा कि हमने पहले बताया, इसकी 3 उपसमितियां होती हैं। दूसरी उपसमिति रेलवे के राजभाषा कार्यों की समीक्षा करती हैं और प्रोफेसर रीता बहुगुणा जोशी अभी वर्तमान में द्वितीय उपसमिति की संयोजक हैं, जो रेलवे पर रेलवे का निरीक्षण करती है, रेलवे कार्यालयों का निरीक्षण करती है। गृह मंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। आते हैं केंद्रीय हिंदी समिति। केंद्रीय हिंदी समिति शीर्ष समिति है, नीति निर्धारण में बड़े स्तर पर मार्गदर्शन उपलब्ध कराती है। राजभाषा नीति को लागू करने के लिए अंतर मंत्रालय और अंतर विभागीय समन्वय सुनिश्चित करते हुए नीतिगत विषयों से संबंधित निर्णयों के कार्यान्वयन का पर्यवेक्षण करती है। भारत के प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं, गृह मंत्री इस समिति के उपाध्यक्ष होते हैं और गृह राज्य मंत्री इसके सदस्य होते हैं। इसके अतिरिक्त देश भर से 21 विख्यात विद्वान और साहित्यकार तथा कुछ राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं वो भी इसके सदस्य होते हैं। इस समिति में कुल 41 सदस्य हैं, जिसमें 6 मंत्रालयों, विदेश मंत्रालय, मानव संसाधन मंत्रालय, संचार सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, रेलवे मंत्रालय, सूचना प्रसारण मंत्रालय तथा कार्मिक, जन शिकायत और पेंशन विभाग के मंत्री शामिल हैं। तो ध्यान रखिएगा, प्रश्न कभी आ जाए कि केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। फिर केंद्रीय सलाहकार समिति। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि राजभाषा समितियां बनी हुई हैं, जैसे मंडल में मंडल राजभाषा कार्यान्वयन समिति जो राजभाषा की समीक्षा करती है, तिमाही समीक्षा। इसी प्रकार स्टेशनों पर स्टेशन राजभाषा कार्यान्वयन समिति, जिसे स्टेराकास भी कहा जाता है। क्षेत्रीय स्तर पर क्षेत्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति, जिसे शेराकास कहा जाता है। और इसी प्रकार मंत्रालय स्तर पर वहां पर हिंदी सलाहकार समिति होती है, जिसकी बैठक होती है। वो जो हिंदी सलाहकार समिति है उसके अध्यक्ष संबंधित मंत्रालय के मंत्री होते हैं। जैसे अगर हमारे यहाँ पर बात की जाए रेल मंत्रालय की, तो रेल हिंदी सलाहकार समिति, तो रेल हिंदी सलाहकार समिति के अध्यक्ष रेल मंत्री होंगे और राज्य मंत्री उनके पदेन उपाध्यक्ष होंगे। ठीक है, फिर हम अनुच्छेद 343 को फिर से समझ लेते हैं कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतरराष्ट्रीय रूप होगा। आप ये देख रहे होंगे ऊपर अंतरराष्ट्रीय रूप है और नीचे जो है वो है भारतीय अंक। तो जब भी राजभाषा कार्य करना हो सरकारी कामकाज में, तो आपको यही प्रयोग में लाना होगा, भारतीय अंक ना लेकर के अंतरराष्ट्रीय अंकों का प्रयोग करना है। फिर आते हैं संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भारतीय भाषाएं। तो बताया कितनी भाषाएं सम्मिलित हैं 8वीं अनुसूची में? 22 भारतीय भाषाएं, बिल्कुल सही है, 22 भारतीय भाषाएं हैं। और इनको याद करने के लिए हमने एक ट्रिक लगाई है। हमने एक भारत का नक्शा आपके सामने दिखाई दे रहा होगा, तो हम उसके हिसाब से अब आपके सामने चलेंगे। तो मुख्यतः पहले हम 5 भाषाएं जो ले लेते हैं, हिंदी, संस्कृत, उर्दू, सिंधी और एक विदेशी भाषा होते हुए भी हमारे देश में जो इसमें सम्मिलित है, नेपाली। इन 5 भाषाओं के अलावा अब हम चलेंगे एंटी क्लॉकवाइज, भारत के नक्शे में घड़ी की विपरीत दिशा में चलते हुए। तो सबसे पहले ऊपर कौन सा राज्य दिखाई दे रहा है आपको?
जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर जो अब केंद्र शासित प्रदेश हो गया है, तो जम्मू में कौन सी भाषा बोली जाती है? कश्मीर जम्मू में डोंगरी बोली जाती है, जम्मू और हिमालय के कुछ हिमाचल के कुछ भागों में, और कश्मीर में बोली जाती कश्मीरी। बिल्कुल सही है। फिर नीचे आते पंजाब, पंजाब में, पंजाब में कौन सी भाषा पंजाबी। बोली जाती है? पंजाबी। जी हाँ। तो हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान को छोड़ दीजिए, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान को छोड़ देंगे। फिर नीचे आएंगे गुजरात, गुजरात में गुजराती, नीचे महाराष्ट्र में मराठी, मराठी, हाँ, और गोवा में कोंकणी। कोंकणी। गोवा में कोंकण रेल चलती है, तो उससे हमें ध्यान रखना है कि कोंकणी। कर्नाटक में कन्नड़, कन्नड़। बहुत सही है। केरल में मलयालम, हाँ। तमिलनाडु में तेलुगु, तमिल, तमिल, तमिलनाडु तमिल, में तो तमिल, हाँ। आंध्र प्रदेश में तेलुगु, उड़िया, उड़ीसा, बंगाली, उड़िया, पश्चिम बंगाल में बंगाली या बांग्ला, ठीक है ना। मणिपुर में मणिपुरी, असम में असम, असम, असमिया। आप लोगों ने कभी खबर सुनी होगी तो कि असम में एक संगठन है जो अपने लिए अलग लैंड की मांग करता है, बोडो, बोडो। है ना। तो बोडो भी एक भाषा है, वो भी 8वीं अनुसूची में सम्मिलित है। फिर मैथिली और संथाली, इस प्रकार से ये कुल 22 भारतीय भाषाएं हैं जो इसके अंतर्गत सम्मिलित हैं। 8वीं अनुसूची के अंतर्गत 22 भारतीय भाषाएं हैं, कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, असमिया, उड़िया, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम, उर्दू, संस्कृत, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, संथाली, बोडो, डोंगरी और मैथिली। अब प्रश्न आते हैं इनसे संबंधित, है ना। तो जब मूल संविधान था, तो मूल संविधान में 14 भाषाओं का उल्लेख था। 21वें संशोधन में सिंधी भाषा जोड़ी गई 1967 में, 71वें संशोधन में नेपाली, मणिपुरी व कोंकणी वर्ष 1992, और 92वें संशोधन में बोडोमस यानी बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली 2003 में जोड़ी गई। तो ये इस तरह से कभी प्रश्न आ जाए तो मूल संविधान में कितनी भाषाओं का उल्लेख था? 14 का। 21वें संशोधन में सिंधी जोड़ी गई, 71वें संशोधन में नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी जोड़ी गई, और 92वें संशोधन में 21 और 21 को मिला दीजिए, 92वें संशोधन में बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली जोड़ी गई। फिर राजभाषा नियम 1976 के अंतर्गत समस्त देश को तीन क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया। सर ये तो प्रीवियस स्लाइड, जी, पहले वाली स्लाइड वापस रखना था। ठीक पहले वाली वापस कर देते हैं। है, एक मिनट जी, सर। मैं आप लोगों को फिर से समझा दूं, लड़के की शादी की उम्र कौन सी होती है कानून के हिसाब से? किसी भी व्यक्ति की 18 सर, 18 तो लड़की की होती है, 21 सॉरी, 21 सर। 21। जी, आपको ये याद रखना है। 21वें संशोधन में अब जब शादी करने जाते हैं तो कमाई धमाई भी देखी जाती है ना, तो कमाने में सिंधी कम्युनिटी आगे है, तो ये ध्यान रखिएगा कि 21वें संशोधन में सिंधी जोड़ी गई। फिर हमने 21 रुपए का प्रसाद चढ़ाया, हमारा काम नहीं बना, 50 रुपए और जोड़ के हमने 71 रुपए का प्रसाद चढ़ाया, और इस बार हमने मिठाई ना चढ़ा करके नमक चढ़ाया, तो हमने चढ़ाया नमक, तो नमक में नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, और ये 21 और 71 को जोड़ दीजिए तो 92, 1992 में। फिर अगला संशोधन जो होता है 21 और 71 को मिला के 92 वा संशोधन, जिसमें गणित का एक सूत्र है बोडोमास, तो हमने बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली ये चार भाषाएं और जोड़ी वर्ष 2003 में। इतना ध्यान रखिएगा, ठीक है सर? जी सर, ओके। तीन ओके। अब आते हैं तीन क्षेत्रों में
हमारे देश को वर्गीकृत किया गया है क क्षेत्र, ख क्षेत्र और ग क्षेत्र। क्यों किया गया है? क्योंकि सभी लोगों की क्षमताएं अलग अलग होती हैं, है ना। चार लोग होंगे तो चारों का वेट अलग होगा, हाइट अलग होगी, वजन उठाने की या कार्य करने की उनकी जो क्षमता होगी वो अलग होगी। इसी प्रकार क ख और ग तीन क्षेत्रों में बांट दिया गया ताकि राजभाषा नियम अधिनियम या वार्षिक कार्यक्रम है वो इनमें अच्छी तरह से लागू किए जा सके। तो तीन क्षेत्र, क क्षेत्र, ख क्षेत्र और ग क्षेत्र। तो क क्षेत्र में कौन कौन से राज्य या संघ प्रदेश आते हैं, इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा हिंट लीजिए कि ऐसे कौन कौन से राज्य जहां पूरी तरह से हिंदी चलती है, उन राज्यों को क क्षेत्र में शामिल किया जाएगा। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं हरे रंग में आपको दिखाई दे रहा होगा हिमाचल प्रदेश, दिखाई दे रहा है, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश से अलग हुआ उत्तराखंड, फिर हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, अंडमान निकोबार, द्वीप समूह, ये सभी आते हैं क क्षेत्र में। और ख क्षेत्र में वह राज्य जहां पर उसकी प्रादेशिक भाषा के साथ साथ हिंदी भी काम में आती है, या यूं कहें कि वे राज्य जो अन्य राज्यों से और संघ से हिंदी में पत्र व्यवहार करते हैं वो क क्षेत्र में आते हैं, ठीक है ना। अब ख क्षेत्र में पंजाब, चंडीगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र और दादरा नगर हवेली और दमन दीव, ये आते हैं ख क्षेत्र में। और ग क्षेत्र में एक पंक्ति में उत्तर आएगा क और ख को छोड़ करके अन्य सभी। देखिए आप क क्षेत्र में बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, राजस्थान, उत्तर प्रदेश राज्य तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र, ख क्षेत्र में गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब राज्य, चंडीगढ़, दमन और दीव तथा दादरा व नगर हवेली, और ग क्षेत्र में उपरोक्त के अतिरिक्त शेष सभी राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र। ठीक है, क्लियर है, आगे चलें या कोई प्रश्न हो तो उसका निराकरण करते चलें। कंटिन्यू सर, कंटिन्यू करें, ओके जी। राजभाषा विभाग गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। कभी ये प्रश्न आ जाए कि राजभाषा विभाग किसके अंतर्गत कार्य करता है, किसके अधीन कार्य करता है, तो गृह मंत्रालय। तो गृह मंत्रालय के अंतर्गत राजभाषा विभाग कार्य करते हुए वार्षिक कार्यक्रम जारी करता है। राजभाषा वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार कुछ मदे होती हैं, कुछ लक्ष्य दिए होते हैं, तो उसमें से एक है मूल पत्राचार। क क्षेत्र, अब हमारे पश्चिम रेलवे की हम बात करें तो पश्चिम रेलवे में कौन सा क्षेत्र क क्षेत्र में आता है, कौन सा डिवीजन है हमारा, बताएगा कोई? रतलाम सर। बिल्कुल सही है, रतलाम। रतलाम हमारा क क्षेत्र में आता है। तो क क्षेत्र से क ख क्षेत्रों के साथ में 100% यानी 100% मूल पत्राचार हिंदी में होगा और ग क्षेत्र के साथ 65%। तो रतलाम, यदि रतलाम के अलावा जितने भी क क्षेत्र हैं या हमारे पश्चिम रेलवे के जितने भी मंडल हैं सभी से मूल पत्राचार 100% हिंदी में करेगा। अब मूल पत्राचार क्या होता है? ऐसा पत्र जिसकी शुरुआत आपके द्वारा की गई हो, जिसके अंतर्गत कोई संदर्भ ना हो, किसी प्रश्न का उत्तर ना हो, तो उसे कहते हैं मूल पत्राचार। फिर इसी प्रकार ख क्षेत्र से क के साथ 90%, के साथ भी 90% और ग के साथ 55% का मूल पत्राचार हिंदी में किया जाएगा और ग क्षेत्र से तीनों क्षेत्रों के साथ 55% मूल पत्राचार हिंदी में किया जाएगा। केंद्रीय कार्यालयों के लिए यह लक्ष्य दिया हुआ है। अभी इस प्रकार का प्रश्न आ सकता है कि भावनगर मंडल द्वारा, भावनगर मंडल द्वारा
मुख्यालय को प्रधान जो हमारा प्रधान कार्यालय है उसको कितने प्रतिशत मूल पत्राचार हिंदी में किया जाएगा? 90%। 90% ये याद रखना है, ठीक है सर। चलते धारा 3-3, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण है। वर्ष 1963 में राजभाषा अधिनियम बनाया गया था, जिसे बाद में संशोधित कर 1967 में संशोधित किया गया था। तो इस अधिनियम की एक महत्वपूर्ण धारा है, इसके अंतर्गत कुछ कागजात हैं जिन्हें अनिवार्य रूप से हिंदी और अंग्रेजी में जारी करना है, जिसमें संकल्प आते हैं, सामान्य आदेश आते हैं, परिपत्र इत्यादि, नियम, अधिसूचनाएं, प्रशासनिक अन्य रिपोर्ट, प्रेस विज्ञप्तियां, संविदा करार, लाइसेंस, परमिट, सूचनाएं, संविदा प्रारूप और संसद के किसी सदन के समक्ष रखे जाने वाली प्रशासनिक रिपोर्ट, संसद के किसी भी एक अथवा दोनों सदनों के अंतर्गत और अन्य कागजात इसके अंतर्गत आते हैं। ये अनिवार्य रूप से द्विभाषी होगा और इस पे हस्ताक्षर करने वाले की जिम्मेदारी होगी कि वह देख ले कि दोनों भाषाओं में जारी किए जाते हैं। तो कभी आ जाएगा कि धारा 3-3 में जो द्विभाषी कागजात हैं उसको जारी करने की जिम्मेदारी किसकी है, तो उसका उत्तरदायित्व है हस्ताक्षर करने वाले का, जो ऐसे कागजातों पर हस्ताक्षर कर रहा है उसकी उसका उत्तरदायित्व है कि ये दोनों भाषाओं में जारी किए जाएं। फिर राजभाषा नियम 1976 के अंतर्गत कुछ नियम बनाए गए हैं, जिसमें 12 नियम हैं जिनका अनुपालन किया जाना अनिवार्य है। उनमें से मुख्य जो नियम हैं वो इस प्रकार से हैं। नियम पाँच कहता है कि हिंदी में प्राप्त पत्रादि के उत्तर केंद्रीय सरकार के कार्यालयों से हिंदी में दिए जाएंगे। अनिवार्य रूप से हिंदी में प्राप्त पत्र का उत्तर हिंदी में दिया जाना है, चाहे वह किसी भी क्षेत्र से प्राप्त हो। इसके अंतर्गत अंग्रेजी में यदि कोई पत्र आपको प्राप्त होता है और उस पर हस्ताक्षर हिंदी में है, साफ साफ दिखाई देता है कि हस्ताक्षर हिंदी में है, तो उस पत्र का उत्तर भी हिंदी में दिया जाएगा। फिर जब संसदीय समिति ने पश्चिम रेलवे के प्रधान कार्यालय का निरीक्षण किया था, तो उन्होंने संसदीय समिति को यह आश्वासन दिया कि क्योर ख से प्राप्त अंग्रेजी पत्रों के उत्तर भी हम हिंदी में देंगे। तो नियम 5 के अनुसार हिंदी में प्राप्त पत्रों के उत्तर अनिवार्य रूप से हिंदी में देना है। फिर नियम 9 कहता है हिंदी में प्रवीणता प्राप्त कर्मचारी की यह परिभाषा है कि ऐसा कर्मचारी जिसने मैट्रिक या उसके समतुल्य या उससे उच्चतर कोई परीक्षा हिंदी माध्यम से उत्तीर्ण कर ली है या स्नातक परीक्षा में अथवा इसके समतुल्य हिंदी एक विषय के रूप में हो, वैकल्पिक विषय, तो वह कर्मचारी प्रवीण माना जाएगा, प्रवीणता प्राप्त माना जाएगा। या वह एक फॉर्मेट में यह घोषणा कर दे कि मैंने हिंदी में प्रवीणता प्राप्त कर ली है, तो उसे हिंदी में प्रवीणता प्राप्त मान लिया जाएगा, ठीक है सर। हिंदी में प्रवीणता प्राप्त कर्मचारी की परिभाषा है, मैट्रिक या उससे उच्चतर में हिंदी माध्यम रहा हो अथवा स्नातक स्तर पर हिंदी एक वैकल्पिक विषय के रूप में रहा हो, अथवा वह यह घोषणा कर दे कि वह हिंदी में प्रवीणता प्राप्त है। नियम 10 है कार्य साधक ज्ञान प्राप्त कर्मचारी के संबंध में, जहां हमने देखा था प्रवीण हिंदी में माध्यम होना चाहिए, वहीं पर यदि मैट्रिक या उसके समतुल्य पर उसने हिंदी एक विषय के साथ उत्तीर्ण कर ली है तो उसे कार्य साधक माना जाएगा, और प्राज्ञ परीक्षा यदि उसने उत्तीर्ण कर ली है तो भी वह कार्य साधक माना जाएगा, या वह ये घोषणा कर दे कि उसने हिंदी का कार्य साधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है तो भी उसे हिंदी में कार्य साधक माना जाएगा। और ऐसे सभी कार्य साधक ज्ञान प्राप्त कर्मचारियों को पारंगत प्रशिक्षण के लिए भेजा जाएगा। जो हमारा हिंदी विभाग है उसका एक हिंदी शिक्षण विभाग की तरफ से पारंगत प्रशिक्षण लागू किया गया है, तो जितने भी कार्य साधक ज्ञान प्राप्त कर्मचारी हैं उनके लिए अनिवार्य रूप से पारंगत प्रशिक्षण प्राप्त करना और उसकी परीक्षा देना अनिवार्य है, ठीक है सर।
अच्छा, फिर कार्य साधक ज्ञान प्राप्त कर्मचारियों की सूची बनाने का भी एक उद्देश्य होता है, वो क्या है? एक तो नियम 10-4 के अनुसार जिस कार्यालय के 80% स्टाफ सदस्यों को हिंदी में कार्य साधक ज्ञान प्राप्त है, उन कार्यालयों को भारत सरकार के गजट में अधिसूचित कराया जाएगा। नियम 8-4 के अनुसार प्रवीणता प्राप्त कर्मचारियों को व्यक्तिगत आदेश जारी किए जाएंगे, जो कार्यालय के प्रधान है आपके। कार्यालय प्रधान अपने हस्ताक्षर से एक व्यक्तिगत आदेश जारी करेंगे, जिसके अंदर कुछ सूची लगी होती है कि आपको ये सारे कार्य अब हिंदी में करने हैं, क्योंकि आपने हिंदी में प्रवीणता प्राप्त कर ली है। नियम 11 कहता है कि सभी मैनुअल कोड प्रक्रिया संबंधी समस्त साहित्य लेखन सामग्री द्विभाषी रूप में तैयार करवानी चाहिए। नियम 12 बहुत महत्वपूर्ण है। कार्यालय के प्रमुख का यह उत्तरदायित्व होगा कि वह राजभाषा अधिनियम व नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करे, उपयुक्त व प्रभावकारी जांच के लिए उपाय करें और आवश्यक निर्देश जारी करें। यह नियम 12 है। नियम 12 कार्यालय प्रमुख के लिए उत्तरदायित्व दिया गया है, राजभाषा नियमों अधिनियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए। तो ध्यान देने योग्य बातें हैं, कुछ छोटी छोटी बातें हैं जिनका ध्यान में रख करके हम राजभाषा नियम अधिनियम और जितनी भी नीतियां हैं उनका अनुपालन कर सकते हैं। हिंदी में प्राप्त पत्रों के उत्तर हिंदी में दिए जाएं। रबर की मोहरें विजिटिंग कार्ड और पत्र शीर्ष लेटर हेड द्विभाषीय हों। जितनी भी फाइलें हैं हिंदी की फाइल वो अनिवार्य रूप से कार्यालय में रखी जाए। सभी फाइलों रजिस्टरों आदि पर शीर्षक द्विभाषीय हो। द्विभाषीय के अंतर्गत नियम है कि पहले हिंदी फिर अंग्रेजी। यदि एक एक पंक्ति है शब्दों की आपके वाक्य हैं, तो पहली जो पंक्ति होगी वो हिंदी होगी, दूसरी अंग्रेजी होगी, तीसरी हिंदी होगी, चौथी अंग्रेजी होगी, पांचवी हिंदी होगी, छठी अंग्रेजी होगी। इस तरह से यदि आप अपने रबड़ की मोहरे में बनवा रहे हैं तो इस तरह से आप कर लें। धारा 3-3 के तहत जारी होने वाले जितने भी दस्तावेज हैं द्विभाषीय और बार बार जो निरीक्षण होते हैं उनसे बचने के लिए आप क्या करें कि एक अलग से फोल्डर बना ले हर साल धारा 3-3 के अंतर्गत जारी होने वाले दस्तावेजों का। फिर प्रचार सामग्री, प्रकाशन व लेखन सामग्री की मदें, फॉर्म, वाउचर, रजिस्टर, लेजर, पत्र शेष, लिफाफे आदि द्विभाषीय छपवाए जाएं। सभी नाम बोर्ड, साइन बोर्ड, नाम पट, सूचनाएं, नोटिस आदि द्विभाषीय त्रिभाषियों। जो सार्वजनिक क्षेत्र में हमारे जैसे स्टेशन हुआ, तो स्टेशन पर जितने भी बोर्ड होंगे वो त्रिभाषी होंगे, यदि उस राज्य की भाषा भी राजभाषा भी प्रयोग की जाती है। तो जैसे मान लीजिए गुजरात में, तो पहले गुजराती होगा, फिर हिंदी होगा और फिर अंग्रेजी होगा। महाराष्ट्र है तो मराठी, फिर हिंदी, फिर अंग्रेजी। ठीक है सर, तो ये इसका क्रम होगा त्रिभाषीय। कभी ये प्रश्न आ जाए कि 3 भाषाओं में ये क्या क्रम रहेगा, तो क्षेत्रीय भाषा सबसे पहले आएगी। और यदि किसी स्टेशन पे मान लीजिए हमारा नवापुर है एक स्टेशन, उसमें 2 भाषाएं चलती हैं क्योंकि वो गुजरात और महाराष्ट्र की बॉर्डर पे आता है, तो वहां पे 4 भाषाओं में बने हुए बोर्ड हैं, उद्घोषणाएं भी 4 भाषाओं में होती हैं, तो अंग्रेजी अल्फाबेट के हिसाब से गुजराती पहले आता है, मराठी बाद में आता, तो पहले गुजराती, फिर मराठी, फिर हिंदी और फिर अंग्रेजी। इस तरह से बोर्ड बनाए जाएंगे और उद्घोषणाएं की जाएंगी। फिर कार्यालय स्तर पर तिमाही बैठकों का आयोजन किया जाए। जनसंपर्क से संबंधित सभी सूचनाएं द्विभाषीय हों। आम जन तथा प्रशासनिक कार्यालयों को भेजे जाने वाले पत्र द्विभाषीय हों। सभी कंप्यूटर पर यूनिकोड इनेबल किया जाए। यूनिकोड की सहायता से कंप्यूटर पर हिंदी के प्रयोग को बढ़ाया जाए और तिमाही रिपोर्ट में निश्चित समय पर शाखाओं से क्षेत्रीय कार्यालय भिजवाई जाए जितनी भी रिपोर्ट है तिमाही रिपोर्ट्स। फिर यूनिकोड के माध्यम से हिंदी में कार्य, हम सभी जानते हैं आजकल यूनिकोड क्या चीज है, आप सभी लोग उसका प्रयोग कर रहे होंगे, चाहे वो आपका कंप्यूटर हो चाहे मोबाइल हो। मोबाइल पे भी अगर आप हिंदी या गुजराती या अपनी मातृभाषा में जितने भी टाइप करते हैं वो यूनिकोड के माध्यम से कर रहे हैं।
फिर अब आते हैं हम राजभाषा हिंदी में काम करने पर पुरस्कार और प्रोत्साहन योजनाएं कौन कौन सी लागू की गई हैं। तो राजभाषा के लिए रेलवे और गृह मंत्रालय के स्तर पर बहुत सारी पुरस्कार योजनाएं हैं और जिनके ऊपर हम इस तरह से बात करेंगे। हिंदी परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए प्रोत्साहन योजना प्रबोध, प्रवीण, प्राज्ञ और पारंगत चार प्रशिक्षण चलते हैं राजभाषा से संबंधित। जिसको हिंदी का कोई भी ज्ञान नहीं है तो उसे प्रबोध प्रशिक्षण दिया जाता है। जिनका हिंदी ज्ञान पांचवी से कम हो तो उनको प्रवीण, और जिनका हिंदी ज्ञान आठवीं से कम हो तो प्राज्ञ, और प्राज्ञ या कार्य साधक जितने भी हैं उन सभी को पारंगत प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाती है दिलवाने के। तो प्रबोध, प्रवीण और प्राज्ञ और पारंगत ये प्रोत्साहन योजनाएं, ये जितनी भी परीक्षाएं इनको यदि आप उत्तीर्ण करते हैं 70% से अधिक अंक लेके आने पर 1600, 1800, 2400 और 10,000। पारंगत के लिए प्रथम जो राशि है वो है 10,000 रुपये 70% से अधिक अंक लाने पर। फिर 60 से 69 लाने पर आपके सामने है 800, 1200, 1600 और 7,000 रुपये पारंगत के लिए। और 55 से 59% तक अंक प्राप्त करने पर 400, 600, 800 और 4,000। ठीक है, यहाँ पर किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो बात कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हिंदी टंकण में आशुलिपिक परीक्षाएं विशेष योग्यता से उत्तीर्ण करने पर 90 से 94% तक अंक प्राप्त करने पर 800, 95 से 96 तक अंक प्राप्त करने पर 1600, तो 97% या इससे अधिक अंक प्राप्त करने पर 2400 रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है एकमुश्त राशि। फिर निजी प्रयत्न से हिंदी परीक्षा पास करने पर एकमुश्त पुरस्कार राशि है प्रबोध 1600, प्राज्ञ के लिए 2400, प्रवीण के लिए 1500, हिंदी टंकण 1600 और हिंदी आशुलिपि 3,000 रुपये। हिंदी टाइपिंग व आशुलेखन में कार्य करने के लिए जो अंग्रेजी टाइपिस्ट हैं और या अंग्रेजी आशुलिपिक हैं उनको हिंदी में कार्य करने पर प्रतिमाह कार्य के शर्त के आधार पर भत्ता दिया जाता है। अंग्रेजी आशुलिपिक को 240 रुपये प्रतिमाह और अंग्रेजी टंकक को, अंग्रेजी टाइपिस्ट को 160 रुपये प्रतिमाह प्रदान किया जाता है उसके वेतन में। अगली योजना है हिंदी में डिक्टेशन देने वाले अधिकारियों के लिए। इस योजना के अधीन प्रत्येक रेल कार्यालय से एक हिंदी भाषी अधिकारी को 20,000 शब्द और हिंदी तर अधिकारी को 10,000 शब्द, ये प्रतिवर्ष की योजना है। एक वर्ष में 20,000 हिंदी भाषी के लिए है और हिंदी तर अधिकारी के लिए 10,000 शब्दों की सीमा है। उससे अधिक डिक्टेशन देने पर 5,000 रुपये के 2 पुरस्कार दिए जाते हैं 2 अधिकारियों को। सरकारी कामकाज मूल रूप से हिंदी में करने के लिए गृह मंत्रालय की व्यक्तिगत नगद पुरस्कार योजना, जिसे 20,000 शब्द डायरी पुरस्कार योजना भी कहा जाता है, वित्त वर्ष के दौरान, ये 1 अप्रैल से 31 मार्च की इसकी अवधि होती है, वित्त वर्ष के दौरान टिप्पण व प्रारूप लेखन में कम से कम 20,000 शब्द हिंदी में लिखने पर प्रत्येक यूनिट के 10 कर्मचारियों को यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है, जिसमें प्रथम पुरस्कार 5,000 के 2 पुरस्कार हैं, द्वितीय पुरस्कार 3,000 के 3 हैं और तृतीय पुरस्कार 2,000 के 5। इस तरह से 10 व्यक्तियों को एक यूनिट में यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। प्रतिवर्ष सभी इसमें भाग ले सकते हैं। फिर रेल मंत्री वार्षिक हिंदी निबंध प्रतियोगिता, प्रतिवर्ष रेलवे बोर्ड द्वारा एक विषय दिया जाता है जिसपे अधिकतम 2,500 शब्दों में एक निबंध लिख करके और क्षेत्रीय कार्यालय के माध्यम से रेलवे बोर्ड को भिजवाया जाता है।
प्रथम पुरस्कार 6,000 रुपये है, राजपत्रित व अराजपत्रित के लिए अलग अलग है, द्वितीय पुरस्कार 4,000 है, दोनों ही वर्गों के लिए अलग अलग एक एक पुरस्कार है। इसके अंतर्गत सभी रेल कर्मचारी भाग ले सकते हैं। फिर हिंदी निबंध, हिंदी वाक प्रतियोगिता और हिंदी टिप्पण आलेखन प्रतियोगिता, जो प्रतियोगिता होती है उसके अंतर्गत प्रथम पुरस्कार 2,000 रुपये है क्षेत्रीय स्तर पर, द्वितीय है 1,600, तृतीय है 1,200 और सांत्वना 3 है 8,800 के। इसी प्रकार अखिल भारतीय स्तर पर प्रथम 3,000, द्वितीय 2,500, तृतीय 2,000 है और सांत्वना 1,500 है। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। रेल मंत्री राजभाषा शील्ड, तो ये जो शील्ड है ये सभी रेलों मंडलों उत्पादन कारखानों में हिंदी में सबसे अधिक और प्रशंसनीय कार्य करने पर दिया जाता है, जिसमें शील्ड के साथ 7,000 रुपये की नगद राशि प्रदान की जाती है। इसमें राजभाषा शील्ड है हिंदी तर क्षेत्र के लिए, राजभाषा शील्ड है प्रधान कार्यालय के लिए, एक राजभाषा शील्ड है लेखा विभाग के लिए और एक राजभाषा शील्ड है कारखानों के लिए। फिर महाप्रबंधक द्वारा राजभाषा व्यक्तिगत पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं हिंदी समारोह के दौरान जो प्रधान कार्यालय में आयोजित किए जाते हैं, इसमें कुछ निश्चित पुरस्कार राशि होती है और प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है। इसी प्रकार रेल मंत्री व्यक्तिगत पुरस्कार योजना है, जिसमें 3,000 रुपये की नगद राशि और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। फिर रेलवे बोर्ड की ही एक और योजना है लाल बहादुर शास्त्री तकनीकी मौलिक पुस्तक लेखन योजना। तकनीकी रेल विषयों से संबंधित ये पुस्तक है, इसमें कम से कम 100 पृष्ठ होने चाहिए आपके, और इस योजना के अंतर्गत प्रथम पुरस्कार 20,000 है, द्वितीय पुरस्कार 10,000 है, तृतीय पुरस्कार 7,000 है। तकनीकी रेल विषयों पर हिंदी में पुस्तकें लिखने के लिए रेल कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने के लिए रेलवे बोर्ड ने योजना लागू की है। प्रेमचंद पुरस्कार योजना, रेल कर्मियों की साहित्यिक प्रतिभा और अभिरुचि को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से रेल मंत्रालय ने यह योजना लागू की है, जिसके अंतर्गत कहानी संग्रह अथवा उपन्यास लिखने पर आप उसकी एक प्रति क्षेत्रीय कार्यालय और वहां से फिर रेलवे बोर्ड को भेजी जाती है और चयनित प्रविष्टि को पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं, जिसमें प्रथम पुरस्कार 20,000 है, द्वितीय पुरस्कार 10,000 है और तृतीय पुरस्कार 7,000 रुपये है। फिर है मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार योजना, इसके अंतर्गत काव्य संग्रह या गजल संग्रह के लिए यह प्रदान किया जाता है, जिसमें प्रथम पुरस्कार 20,000 है, द्वितीय पुरस्कार 10,000 है और तृतीय पुरस्कार 7,000 है। इन दोनों ही पुरस्कारों में किसी भी व्यक्ति को लगातार 2 वर्षों तक पुरस्कृत नहीं किया जाएगा। फिर है रेल यात्रा वृत्तांतों पर पुरस्कार योजना, आम लोगों के लिए जो भारत के नागरिक हैं, रेल कर्मी हैं, उनके रेल यात्राओं से संबंधित अनुभवों के आधार पर नगद पुरस्कार प्रदान किया जाता है। रेल यात्रा वृत्तांत रेलवे बोर्ड द्वारा मंगाए जाते हैं। अभी इस माह में पत्र आया है, उसके अंतर्गत आप अपने राजभाषा विभाग से जानकारी प्राप्त करें और अपना रेल यात्रा वृत्तांत भेज सकते हैं। प्रथम पुरस्कार 10,000 रुपये है, द्वितीय पुरस्कार 8,000 रुपये है, तृतीय पुरस्कार 6,000 है और 5 पुरस्कार हैं सांत्वना के 4,000-4,000 रुपये के। ये है रेल यात्रा वृत्तांत। फिर कमलापति त्रिपाठी राजभाषा स्वर्ण पदक, हिंदी के प्रसार प्रसार में प्रशंसनीय योगदान के लिए रेलों व उत्पादन कारखानों के वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड से ऊपर के अधिकारियों के लिए योजना लागू है। इसमें पुरस्कार राशि 10,000 रुपये है, कमलापति त्रिपाठी राजभाषा स्वर्ण पदक। फिर अखिल रेल हिंदी नाट्योत्सव है, राजभाषा के प्रचार प्रसार एवं प्रयोग को बढ़ाने के लिए रेल मंत्रालय द्वारा प्रतिवर्ष अखिल रेल स्तर पर हिंदी नाट्योत्सव का आयोजन किया जाता है।
इस नाट्योत्सव में भाग लेने वालों को स्मृति चिन्ह, प्रमाण पत्र व नकद और उसका राशि प्रदान कर सम्मानित किया जाता है। फिर है पत्रिका में प्रकाशित लेख। यदि आपके कार्यालय से कोई हिंदी पत्रिका प्रकाशित की जा रही है रेल कार्यालय से, तो उसमें आपका लेख, कविता, कहानी, जो आपकी मूल रचना है, वह प्रकाशित होने पर आपको नगद पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। ये गृह मंत्रालय की योजना है। ज्ञान विज्ञान में हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन के लिए राजभाषा गौरव पुरस्कार योजना। इस पहले इस योजना का नाम था राजीव गांधी पुरस्कार योजना, अब इसको राजभाषा गौरव कर दिया गया है। इसके अंतर्गत प्रथम पुरस्कार राशि है 2,00,000 रुपए, प्रमाण पत्र और स्मृति चिन्ह। द्वितीय पुरस्कार राशि है 1,25,000, प्रमाण पत्र तथा स्मृति चिन्ह। तृतीय पुरस्कार राशि है 75,000 रुपए, प्रमाण पत्र तथा स्मृति चिन्ह। और प्रोत्साहन के स्वरूप है 10,000 के 10 और प्रमाण पत्र और स्मृति चिन्ह। तो ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में सरकारी कामकाज से संबंधित किसी भी तकनीकी विषय पर हिंदी में मौलिक पुस्तक लिखने के लिए, याद रखिए लाल बहादुर शास्त्री प्रोत्साहन योजना के लिए आपने जो पुस्तक भेजी थी उसको यहाँ पर भी भेज सकते हैं। फिर हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन के लिए राजभाषा गौरव पुरस्कार योजना। केंद्रीय सरकार में कार्यरत या सेवानिवृत्त कर्मचारी द्वारा हिंदी में मौलिक पुस्तक लिखने के लिए प्रथम पुरस्कार 1,00,000, प्रमाण पत्र स्मृति चिन्ह। द्वितीय पुरस्कार 75,000, प्रमाण पत्र स्मृति चिन्ह। तृतीय पुरस्कार 60,000 रुपए, प्रमाण पत्र स्मृति चिन्ह तथा 30,000 रुपए का प्रोत्साहन योजना प्रोत्साहन पुरस्कार है प्रमाण पत्र व स्मृति चिन्ह के साथ। फिर हिंदी में उत्कृष्ट लेख के लिए राजभाषा गौरव पुरस्कार योजना। आपके जो पत्र पत्रिकाओं में अपने लेख छपे हैं, यदि वह इस योजना के अंतर्गत गृह मंत्रालय को भेजे जाते हैं तो प्रथम पुरस्कार 20,000 है हिंदी भाषी के लिए, हिंदी तर भाषी के लिए 25,000, द्वितीय पुरस्कार 18,000 और 22,000, तृतीय पुरस्कार 15,000 और 20,000 है। धन्यवाद। अब इसके अलावा आपके कोई प्रश्न हो जो हमने अभी पढ़ा है इसके जिस पे बात की है, अब चर्चा कर ले हम लोग। हेलो सर, आप ये स्लाइड को आप ग्रुप में डाल देंगे सर? बिल्कुल, मैं ये यहाँ पर मैंने डाल दिया है, चंद्रकांत जी के लैपटॉप पर है, ये आपके साथ शेयर कर देंगे जी। ग्रुप में डाल दीजिएगा जी। जी डल जाएगा। हाँ जी, ग्रुप में डाल दी जाएगी ये आप जी। जी और कोई प्रश्न हो किसी का? तो राजभाषा अधिनियम कब पारित हुआ? मेरा प्रश्न है राजभाषा अधिनियम कब पारित हुआ? 1976 में जी। नहीं, 1976 में नियम पारित हुए थे। 63 के अनुसार 1963 में, 10 मई 1963, ये याद रखिएगा, 10 मई 1963 में राजभाषा अधिनियम पारित हुए थे। अधिनियम? हाँ जी, अधिनियम। 1976 में क्या हुआ फिर? नियम, लॉज है ना, नियम काबू किए। हाँ, पारित किए गए। अच्छा, भाषाई आधार पर देश को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है? 3 भागों। कौन कौन से? 3 भाग। अंडमान निकोबार कौन से क्षेत्र में आता है? क्या क्षेत्र में सर? का क्षेत्र में, बिल्कुल सही है, ठीक है। और गुजरात, महाराष्ट्र और पंजाब? खा क्षेत्र में, बिल्कुल सही। सिक्किम की राजभाषा कौन सी है? सिक्किम की राजभाषा
सिक्किम और नागालैंड की राजभाषा अंग्रेजी है, ये याद रखना है आपको, ठीक है? कभी प्रश्न आ जाए ठीक है। हाँ जी, एक क्वेश्चन था कि जो हम प्रवीणता पुरस्कार या कि जितने भी वो कोर्सेस हैं, हाँ, तो उसको कब दे सकते हैं या कैसे दे सकते हैं उसका एग्जाम? देखिए, जिन्होंने हिंदी विषय के साथ में दसवीं या उसके हेलो जिन्होंने दसवीं एक विषय के साथ में उत्तीर्ण किए हिंदी विषय के साथ, तो वो कार्य साधक कहलाएंगे और उन सभी कार्य साधकों को पारंगत प्रशिक्षण प्राप्त करना अनिवार्य है। तो सर, पारंगत प्रशिक्षण कहाँ से मिल सकता है या कैसे मिल सकता है? पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा कि आपने जब दसवीं की थी तो हिंदी एक विषय था या हिंदी माध्यम से की थी? हिंदी माध्यम से था सर, पूरी शिक्षा हिंदी माध्यम से। जी, तो जितने भी हिंदी माध्यम से दसवीं उत्तीर्ण करने वाले हैं या ग्रेजुएशन में जिनके हिंदी एक विषय रहा होगा, वो सभी ऑलरेडी प्रवीणता प्राप्त हैं, उनको किसी भी कोर्स को करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है सर? इनका ज्ञान दसवीं से कम है तो उनके लिए प्राज्ञ है, और जितने भी ये कार्य साधक ज्ञान प्राप्त हैं वो सब प्राज्ञ प्रशिक्षण के बाद में बन जाएंगे पारंगत के लिए। जिनको बिल्कुल भी हिंदी की नॉलेज नहीं है, जो हमारे घर क्षेत्र से आते हैं, जिनकी मातृभाषा भी हिंदी नहीं है, जिन्होंने कभी हिंदी पढ़ी नहीं है, उनके लिए प्रबोध है। जिनका हिंदी ज्ञान पांचवी से कम है, उन्होंने पांचवी तक ही हिंदी पढ़ी होगी, ऐसों के लिए प्रवीण है। प्रवीणता प्राप्त अलग है, प्रवीण कोर्स अलग है, ठीक है सर? यस सर, यस। ओके जी, जी। संविधान के भाग 17 में कितने अनुच्छेद हैं? संविधान के भाग 17, जी, 9 अनुच्छेद हैं, 343 से 51। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है। फिर राजभाषा विभाग की राजभाषा आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के लिए गठित समिति के प्रथम अध्यक्ष का नाम बताइए, कौन थे? बीजी खरे। जी नहीं, आयोग की पूछ रहा हूँ मैं, आयोग की, आयोग राजभाषा आयोग ने जो सिफारिश की थी उस पर गठित समिति, मैं आयोग के अध्यक्ष की बात नहीं कर रहा हूँ, समिति अध्यक्ष की बात कर रहा हूँ, प्रथम समिति अध्यक्ष। ओम मेहता सर। जी नहीं, गोविंद वल्लभ पंत थे, ओम मेहता तो समिति राजभाषा समिति के थे। हाँ जी, बी पंत, जी गोविंद वल्लभ पंत, ठीक है। और लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार योजना, इसके अंतर्गत प्रथम पुरस्कार की राशि कौन सी है? हाँ जी, 20,000 सर। 20,000, बिल्कुल सही है। धारा 3-3 के दस्तावेज द्विभाषी जारी करने का उत्तरदायित्व किसका होता है? विभागीय अध्यक्ष का। जी नहीं, हमने बताया था उस पे हस्ताक्षर करने वाले का, जो उस कागजात पे हस्ताक्षर करता है उसकी जिम्मेदारी होती है कि धारा 3-3 के सभी दस्तावेज द्विभाषी रूप में जारी किए जाएं। जी, राजभाषा नीति की जानकारी देने वाले अनुच्छेद 343 से 351 संविधान के किस भाग में है? बताएं। 17 बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 120 किस कौन से भाग में है? भाग 5 सर, संघ के लिए। बिल्कुल सही है। जी, ग क्षेत्र से
ख क्षेत्र को कितने प्रतिशत मूल पत्राचार हिंदी में किया जाएगा? 55%। 55% बिल्कुल सही है। फिर राजभाषा अधिनियम 1963 कब संशोधित हुए? 21वां संशोधन 1967 में हुआ। 1967। अच्छा, अगर आपसे ये पूछा जाए कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर। 14 सितंबर, क्योंकि 14 सितंबर 1949 को संविधान निर्माता सभा ने हिंदी को राजभाषा के रूप में अपनाया था, इसी याद को मनाने के लिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। और विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है जी। और कोई आपके प्रश्न हो तो? रेलवे पर कौन सी संसदीय राजभाषा समिति निरीक्षण करती है? रेलवे द्वितीय उप समिति। द्वितीय उप समिति के वर्तमान संयोजक का नाम? रीता बहुगुणा जोशी। हाँ, प्रोफेसर रीता बहुगुणा जोशी। और ये जो राजभाषा संसदीय राजभाषा की पहली उप समिति है, इसके अध्यक्ष कौन है? गृह मंत्री। बिल्कुल सही है, गृह मंत्री उसके अध्यक्ष होंगे। फिर किन किन राज्यों ने उर्दू को हिंदी भाषा उर्दू को राजभाषा के रूप में अपनाया है? तो वो है आंध्र प्रदेश, बिहार और कश्मीर। भी कश्मीर भी हो गए है ना। फिर राजभाषा नियम 1976 का संशोधन कब हुआ? 1987 में, ठीक है। और राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ था? प्रथम राजभाषा आयोग का 7 जून 1955। इसे खैर आयोग के नाम से भी जाना जाता है जी। नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की अवधि 6 महीने में एक बार, मतलब वर्ष में 2 बार होती है, एक छमाही की एक होती है। और कोई प्रश्न है आपके, या इस स्लाइड को शेयर कर दिया जाए? हेलो, हाँ जी, शेयर कर दी। चलिए, धन्यवाद। और कोई भी बात हो तो बताइएगा, कोई भी प्रश्न हो तो हम बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं।